हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए EIL की तरफ से, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि दोस्तों EIL एक नवरत्ना कंपनी है। यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आई है और ये ड्राफ्ट्समैन की रिक्रूटमेंट है। हम अभी EIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे, अभी ऑफिशियली इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, फुल नोटिफिकेशन कहने का मतलब नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है EIL का। लगभग सभी ब्रांच के लोग इलिजिबल हैं। अगर आपने रिलेवेंट ब्रांच से डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप इलिजिबल हैं। अभी किन किन ब्रांचों के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे लोग देखिए डाउट में होंगे कि ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी में डिप्लोमा वाले इलिजिबल है नहीं है या नहीं है, तो अभी ऑफिशियल साइट में मैं इस चीज़ को भी दिखा भी देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, अभी हम EIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और इसके कैरियर सेक्शन पे हैं। देखिए, जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइंग टू EIL, ठीक है। अब जैसे ही हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो न्यू पेज ओपन होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू जो देखिए ट्रेनी ड्राफ्ट्समैन पब्लिक सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश डिप्लोमा इंजीनियर थ्रू ओपन कंपटीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनी ड्राफ्ट्समैन सुपरवाइजर है उनका फ्रेश डिप्लोमा इंजीनियर उन्हें चाहिए होता है, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। हाँ, हालांकि हो सकता है मे बी ग्रेड वाइज उन्होंने एक आध साल का एक्सपीरियंस मांगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट पे मांगेगा। अभी दो रिक्रूटमेंट आएगी उसमें फ्रेशर्स के कैंडिडेट्स भी इलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग्स, ठीक है, करंट ओपनिंग्स में जाएंगे आप तो करंट ओपनिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे आप करंट ओपनिंग्स में आएंगे तो अभी आप देख सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कोई भी यहाँ पे ऑफिशियल न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन चलिए मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन पे आ जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है थोड़ा सा शॉर्ट में इसके बारे में भी बता दूंगा। और जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। चलिए शॉर्ट नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली है, एक नवरत्ना कंपनी है, ठीक है, एक नवरत्ना कंपनी PSUs है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर इज अ चांस फॉर डायनेमिक करियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल विद जील टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंपनीज एंड नेशन ग्रोथ। तो यहाँ पर देखिए करंटली वी आर हायरिंग ड्राफ्ट्समैन, देखिए यहाँ से देखिए करंटली वी आर हायरिंग ड्राफ्ट्समैन इन डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जो मेनली जो ब्रांचें होती है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, सारी ब्रांचों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की रिक्रूटमेंट, देखिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड फर्स्ट में टोटल 33 वैकेंसी है, जिसमें UR की 18 है, OBC की 8 है, ST की 2 है और ST की 5 है। इसी तरह जूनियर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड सेकंड की यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 27 वैकेंसी है, UR की 14, OBC की 7, ST की 2 और ST की 4 वैकेंसी है। रिजर्वेशन फॉर PWD कैटेगरी और EWS कैटेगरी शैल बी एज पर GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप सभी को बता दूंगा, 1 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और 18 तारीख तक दोस्तों आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 18/4/2022 तक। और इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है दोस्तों आप देख सकते हैं HRD RCTT/Advertisement/2021/2013। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है। और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ब्रांच वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है या फिर कॉमनली वैकेंसीज है इसके बारे में बाद में पता चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा और फॉलोड बाई स्किल टेस्ट। आपका रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। देखिए अभी जो चीज़ें हैं कि आपकी एज लिमिट क्या है या फिर आप कह सकते हो कि कितने गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट बुलाएगा, बेसिकली सिलेबस क्या होने वाला है, ये सभी चीज़ें फुल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं डिस्कशन कर दूंगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे हिट करके रखिए ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट आए वो आप सभी लोग को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।